पहले नमस्कार आप सबको। मेरे साथ बसंत चौधरी साहब बड़ी अधिवक्ता महोदय और झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई लड़ने वाले किशोरी दास जी यहाँ मौजूद हैं, साथ साथ हमारे साथ पटना में हमारे फैकल्टी हेड राजीव जी मेंटर्स में पढ़ाने वाले जो हम लोग के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, और लोगों से आप परिचित हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अखलाक अहमद जी और लोगों से परिचित हैं। आज सबसे बड़ा गहरा सवाल है नीतीश कुमार जी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने में क्यों लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने एक कानून बनाया था कि पटना के झुग्गी झोपड़ी के जगहों पर वन केबी का जिसमें किचन और बाथरूम रहेगा, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए चार माला बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना के उनको सुपुर्द किए जाएंगे, वो उनका कानून है, सरकारी नीति उन्होंने बनाई। और आज तक 15 सालों में एक भी झुग्गी झोपड़ियों को रूम नहीं दिया गया, और अब उनके पदाधिकारी कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी के कारण ये बाढ़ आया इसलिए उसको उजाड़ देना, उसको यहां पर एक भी घर नहीं रहने देना है कहीं भी। सारे नाले पर, सारे गलत जगहों पर बड़े बड़े पदाधिकारी नेता सभी लोग मॉल को बनाने की इजाजत नीतीश कुमार जी की सरकार ने दे दिया, और आज सभी नालों पर दिल्ली में अपार्टमेंट मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें नेता पदाधिकारी अन्य जितनी संस्थाएं सभी संस्था के हेड है, जिसमें हमारे बाद में एक मिनट चौधरी साहब बोलेंगे। दूसरी चीज, एक नियम बनी थी कि हाउसिंग बोर्ड के जमीनों पर 25% जमीन STSC साथ साथ वीकर सेक्शन को दिया जाएगा। आज तक नीतीश कुमार जी ने एक भी STSC वीकर सेक्शन को हाउसिंग बोर्ड के जगहों पर इनके अधिकार नहीं दिए। तीसरी चीज, दिल्ली और बिहार स्टेट की सरकार ने सभी शहर में वेंडर्स के लिए निर्माण करके जगह देने की बात की थी। पटना और अन्य शहर में आज तक वेंडर्स के लिए एक भी व्यवस्था नहीं की गई। ये जो पटना को डुबाया गया, ये डुबाने वाले नीतीश कुमार जी की सरकार, 25,000 करोड़ रुपया का घोटाला, 25 नीतीश कुमार जी के ठेकेदार और पदाधिकारी के मिलकर अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, अभी तक जो लोग पटना को डुबाए उस पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक जांच जो हम लोगों का डिमांड था हाईकोर्ट के जज से करवाने के लिए इन्होंने सिफारिश नहीं किया, उल्टे इनके मंत्री ने कहा कि ठंडा आ जाएगा तो डेंगू ठीक हो जाएगा, जब गर्मी खत्म होगी तो चिमकी बुखार ठीक हो जाएगा, जब ठंडा आएगा तो डेंगू ठीक हो जाएगा, हथिया नक्षत्र हो गए तो पानी बारिश हो बढ़ गया, तो फिर जब
ठंडा आने से और किस्मत पर ही पब्लिक को जीना पड़ेगा, तो ऐसी सरकार को एक मिनट भी रहने का राइट नहीं है, जो डेमोक्रेसी में जनतंत्र से चुन कर जाती है और भाग और किस्मत भगवान के भरोसे जीने के लिए बाध्य करती हो। तो फिर सिस्टम में और इन नेताओं का इस सिस्टम का क्या भूमिका? इसलिए इस सरकार को एक मिनट भी सिस्टम को रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें नए मैंडेट लेना चाहिए। या हमने डिमांड किया था जो इन्होंने पूरा नहीं किया, इसके लिए फर्स्ट था कि आप जो घोटाला किए हैं 6,000 करोड़ सीवरेज पे, गंगा नमामि मिशन पे आपने घोटाला किया है, ये गंगा ड्राइव पर जो मिनी ड्राइव जो 1200-1300 करोड़ का था उसको 5,600 करोड़ से ऊपर के अभी तक हो गए, एक हिस्सा नहीं बना। आपने बगल में जो म्यूजियम बनाया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी कीमत पर यह सही नहीं हुआ, लेकिन बन चुका है, इसके लिए हम ऑर्डर नहीं दे पा रहे तोड़ने के लिए, ये गलत है, यह हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था, चीफ जस्टिस रेड्डी ने यह बात कही थी। 600 लगभग लागत थी इनकी और चला गया 2,000 करोड़। इसी तरह विधानसभा, बापू सभागार भवन, ये सारे पैसे घोटाले हुए। नगर निगम का टोटल पैसा घोटाला हुआ, एस्टीमेट घोटाले के साथ सारे घोटाले। इसमें हम लोगों ने इंक्वायरी डिमांड किया था कि हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के साथ साथ हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में ये जांच हो, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। दूसरा डिमांड किया था 5,000 से लगभग 7-8 हजार करोड़ रुपया पटना के आम लोगों की संपत्ति बर्बाद हुई है, सरकार उसको भरपाई करे, छोटे से लेके अमीर तक, उस पर सरकार कोई काम नहीं। 6,000 रुपया ऊंट के मुंह में जीरा फौरन, ये राजनीति करने के लिए बात कर रहे हैं। तीसरे तरफ जो पदाधिकारी और मंत्री इन्वॉल्व है उसको जेल में भेजने का डिमांड और 302 का मुकदमा और निगलेंसी का मुकदमा, जिसके चलते लोग मरने और जीने के बीच में फंस के रह गए, आत्महत्या करवाने पर विवश किया। ये मुकदमा इन पदाधिकारी और मंत्री पर अकाउंटेबिलिटी तय हो और इस पर मुकदमा करके जेल भेजा जाए, आपने वो भी नहीं किया। चौथी तरफ जब आप कोई सुविधा हमें नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह की, जो आप कानून नियम बनाते हैं वो भी नहीं, ना नगर निगम से सुविधा मिलती है, और उल्टे ही आप हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश बिहार और सबसे ज्यादा बिजली का बिल बिहार, मैंने कहा इसको खत्म करो। तीसरा चीज मैंने कहा कि सबसे गरीब बिहार जमीन की कीमत ज्यादा और 10% रजिस्ट्री होल्डिंग होल्डिंग टैक्स उसको खत्म करो। और चौथी चीज, लगभग किसानों की जो कागजात हैं ब्लॉक में कर्मचारी के पास वो गायब है, लगभग। अभी एक महिला रो रही थी कि कागज मेरे पास और जमीन किसी कब्जे कर लिया, कह रहा मेरा। अभी मैंने एडीएम से कहा इसकी इंक्वायरी और ऑनलाइन करो। इन सारे मुद्दों को लेकर जो मुद्दा हम लोगों का साफ था, इंक्वायरी, माफी, बिजली बिल कम, आम जनता पर बोझ नहीं, और जो नियम बने थे झुग्गी झोपड़ी से लेकर वेंडर्स, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर अन, इन डिमांड के साथ बेरोजगार, रोजगार नहीं तो सत्ता नहीं, सरकार नहीं, और सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, इस निर्णय के साथ लगातार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। साथ साथ हमारी जो बड़ी लड़ाई बसंत चौधरी साहब, रमेश जी जो साथ लड़ रहे हैं,
किशोरी साहब और अन्य भी, उसमें हम लोगों ने एक डिमांड आज किया है कि किसी भी कीमत पर बिहार में दूध की कीमत 50 रुपया किलो सरकार तय करे, क्रय मिनिमम प्राइस। ये इस आंदोलन के साथ 24 तारीख को राजेंद्र नगर से हम लोग मार्च करेंगे 11 बजे। पटना की जनता की जीत, उसका नाम है जन क्रांति महासंग्राम मार्च, जन क्रांति महासंग्राम मार्च, राजभवन तक, पटना की हर परिवार और घर को निमंत्रण हम देने जा रहे हैं। आइए और एक मुकव्वल आजादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार में हो। 30 सालों में और 15 सालों में जिन लोगों ने बिहार की गरीब और आम और खास जनता की जिंदगी नासूर बना दी, उसके खिलाफ जन क्रांति महासंग्राम की आगाज 24 तारीख राजेंद्र नगर से पटना की जनता के लिए, पटना की जनता के द्वारा, बिहार की जनता के लिए, बिहार के जनता के द्वारा हम लोगों ने निर्णय लिया कि खड़े होंगे और इस लड़ाई को जब तक इंक्वायरी, जब तक लोग जेल नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट से इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और हम आह्वान करेंगे कि इनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं दिया जाए जब तक हमें सुविधा नहीं देती। इसीलिए मैं आज को बुलाया, एक मिनट हमारे चौधरी साहब को चेतावनी दीजिए कलेक्टर को कि वो रोज तोड़ रहा है जगह जगह, कहता है आज के चलते ही बाहर डेली कलेक्टर झुग्गी झोपड़ियों को जाके धमकी दे रहा है कि ये बाढ़ जो आया है आपके चलते आ रहा है। कलेक्टर साहब, यदि यही हालात रहे आपके तो आपको हर उन महलों को तोड़ना पड़ेगा पहले जिसको गलत तरीके से आपने बसाया है। आप झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना बंद करिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। जुलाई को ही मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन सुनवाई की थी पटना शहर के सारे शहरी समस्याओं को लेके, और उच्च स्तरीय जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं 8-9 डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कमिश्नर सारे कोर्ट में मौजूद थे, और सरकार ने हलफनामा दिया था कि हम जितने झुग्गी झोपड़ी हैं आइडेंटिफाइड 80 से 100 के करीब, उनको हम ठीक से बसाएंगे। और एक लेटर भी इशू किया था कि जहां चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर इशू किया था जुलाई के महीने में ही कि जो जहां रह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन है वहीं उनको बसाई जाएगी, उसके बाद भी उजाड़ने का काम चल रहा है। उस सुनवाई के बाद ही एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, और तुरंत बाद एक मीटिंग भी हुई थी। लेकिन उस मीटिंग के बाद आप लोग तमाम देखेंगे सारे वेंडर्स जोन जो बन रहे थे वो भी रुक गए, और राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे जो 218 सब्जी बेचने वालों को मलाही पकड़ी में बसाने की बात एफिडेविट पर हाई कोर्ट में कही हुई है उसे भी रुकवा दिया गया। एक ऑब्जेक्शन जनरेट किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि उससे बन को दिक्कत होती है, पता नहीं कितना बड़ा बन है वहाँ पे। इस तरह से सरकार काम कर रही है। और मैं एक सरकार का ही डॉक्यूमेंट जो इनके सौजन्य से आज सवेरे ही प्राप्त हुआ, 2010 में ही इंटर कॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट एंड टेक्निक्रट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक रिपोर्ट ली गई थी पटना में 20 वर्षों तक कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा। पता नहीं इसको कितना फीस मिला, खैर फीस मिला तो उसने कम से कम एक जनहित में काम किया है कि सीवरेज सिस्टम और पंपिंग के बारे में इन्होंने रिपोर्ट किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज 2010 में ही मंत्री, सारी मंत्री को और सरकार को ये मालूम था, ये ऑर्डर है,
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।